तो आज आपके लिए जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो है शेफील्ड का मैनुअल फूड प्रोसेसर जो आता है 10 अटैचमेंट्स के साथ। पूरे इसमें 10 अटैचमेंट्स हैं और ये आपके किचन में जो आपकी प्रिपरेशन वर्क है उसको काफ़ी आसान करने वाला है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। आई एम धीरेन्द्र, वेलकम टू expertdemo.com। तो आइए अब देखते हैं कि ये शेफील्ड मैनुअल फूड प्रोसेसर की मदद से हम कौन कौन से फंक्शंस को किचन में कर सकते हैं। तो जैसे कि किचन में प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो है डेली बेसिस पे काटनी पड़ती है, अच्छी तरीके से काटनी पड़ती है, जिसमें स्लाइसिंग होता है, श्रेडिंग होता है, ग्रेटिंग होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारे फंक्शंस आप इसकी मदद से अच्छे से कर सकते हैं। 10 अटैचमेंट्स पूरे इसमें दिए जाते हैं, तो वो 10 अटैचमेंट्स की मदद से हर तरह की आप चॉपिंग आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं। बारीक बारीक वेजिटेबल्स को काटना होता है हमें सब्जियों के लिए, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं इसमें। अनियन की चॉपिंग करनी है आपको मसाले के लिए, सब्जी के लिए, कर सकते हैं आप आसानी से। टमाटो की चॉपिंग करनी है, कर सकते हैं। कैबेज को आपको काटना है तो आसानी से काट सकते हैं। चॉपिंग के बाद बात करें तो स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग सैलड के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको आलू की चिप्स बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी होती है। तो ये आप थिन और थिक स्लाइसिंग दोनों इसमें कर सकते हैं, दोनों अटैचमेंट्स दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेटिंग, तो आप ग्रेटिंग नारियल की ग्रेटिंग कर सकते हैं। आपको अगर चीज़ को ग्रेट करना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं आसानी से, तो उसका आपको फैसिलिटी दिया हुआ है। अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर को बारीक बारीक किसना है तो वो भी आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी क्वांटिटी में एक बार में आप गाजर को भी किस सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डिज़ाइनर चिप्स बनानी है, जैसे कि आलू की, पोटैटो की डिज़ाइनर दिखने वाली चिप्स आपको बनानी है, तो उसके लिए भी एक अटैचमेंट इसमें दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आटा नीडिंग का भी फंक्शन दिया जाता है, जिसमें कि प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही अटैचमेंट दिए जाते हैं। आपको सिर्फ वो मेजरमेंट यूज़ करके आप इसमें परफेक्ट आटा हर बार गूंदा हुआ आपको मिल सकता है, बड़े आसानी से मिल सकता है। इसके बाद बात करें तो इसमें जूसिंग की भी फैसिलिटी दी हुई है, तो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनका जूस आप इसमें बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बात करें सिट्रस फ्रूट्स की, तो जैसे कि माल्टा हो गया, मौसमी हो गया, या फिर लेमन हो गया, इन सारी चीज़ों का आप जूस बड़े आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को काफ़ी यूनिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देते हैं हमारे किचन के लिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इसका जो नीचे का ट्रांसपेरेंट जार है वो 600 ml की कैपेसिटी आती है। 600 ml काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी क्वांटिटी में हम इसमें स्लाइसिंग, ग्रेटिंग जो भी हमें करनी है वो हम कर सकते हैं, चॉपिंग कर सकते हैं। और ये बना होता है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से जो कि अनब्रेकेबल है। तो ये जार को आप अगर भरा हुआ भी गिरा दें और इसके ऊपर अगर आप खुद चढ़ भी जाएंगे नीचे रख के, तो भी ये टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल मटेरियल से बना होता है, तो काफ़ी रोबस्ट आपको क्वालिटी मिल जाती है। इसके बाद बात करें तो बाकी का जो प्लास्टिक यूनिट आपको दिख रहा है, प्लास्टिक पोर्शन दिख रहा है, ये सारा बना होता है ABS प्लास्टिक से। ABS प्लास्टिक भी काफ़ी ड्यूरेबल होता है और आपका लॉन्ग टाइम तक ये प्रोडक्ट बना रहेगा, कहीं से भी क्रैक टूटेगा नहीं। साथ ही साथ फूड ग्रेड मटेरियल से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने किचन में खाने की प्रिपरेशन के लिए, वो हम बेस्ट क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ब्लेड्स जितने भी आपको दिख रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील उसमें यूज़ किया गया है, हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील, जो कि इंश्योर कर देता है कि ब्लेड की जो धार है वो लंबे समय तक बनी रहेगी और उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इन सारी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ देखें तो इसमें जो यूनिक फीचर है वो है इसका डबल गियर सिस्टम। दो गियर सिस्टम इसमें दिए जाने की वजह से अगर हम काफ़ी क्वांटिटी में भी चॉपिंग, स्लाइसिंग, शेडिंग कुछ कर रहे हैं, तो हमें ये दो गियर की मदद से हम आसानी से उसको घुमा पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करके, एक्चुअल में इससे डेमो करके देखते हैं कि किचन के अलग अलग फंक्शंस को ये कैसे परफॉर्म करता है। We'll be right back.
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट की असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग कैसे की जाती है। प्रोडक्ट की असेंबलिंग बहुत ही आसान है, कोई भी अटैचमेंट से उनको इसमें लगाना काफ़ी इजी है। तो देखते हैं हम कि किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये नीचे का बेस जार देख रहे हैं, इसमें जो इसका टॉप का जो गियर लिड है इसको इस तरीके से ऊपर रखना है और अच्छे से जैसे थोड़ा सा आप प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका ऊपर का लिड कैसे हमें लगाना है। इसके बाद डबल गियर सिस्टम है तो आपको पता है कोई भी चीज़ हम कटिंग कर रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमें जो गियर है सबसे पहले गियर नंबर 1 में ही हमको इसको लगाना है, सेंटर में लगाना है, और उसके बाद जब थोड़ी सी चॉपिंग हो जाए, कटिंग हो जाए, फिर आपको गियर नंबर 2 में लगा के और फाइन चॉपिंग करनी है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही साथ ऊपर आप एक और इसमें देख रहे होंगे सेक्शन, ये सेक्शन एक सेपरेट करने के लिए हमको दिया जाता है, तो ये ऑलरेडी लगा हुआ आएगा इसमें, तो इसको भी निकालना और लगाना आसान है। जैसे कि अगर आप आटा नीडिंग कर रहे हैं तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए सीधे बाहर की तरफ इसको पुल करिए, इस तरह का आवाज़ आएगा और ये अपनी जगह से निकल जाएगा। तो इसको निकाल के आप साइड में रख दें और फिर जब आटा नीडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से पानी धीरे धीरे डालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप आटा नीडिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसा लगा हुआ रहने दीजिए। तो इस तरीके से हमने रीफिक्स कर दिया। अब बात करते हैं कि जैसे अगर हमको चॉपिंग करनी है या फिर आटा नीडिंग की हम बात कर रहे थे, तो अगर हमें आटा नीडिंग करनी है तो हमने इस सेक्शन को निकाला, आटा नीडिंग का हमको ये ब्लेड मिल जाता है इस तरह का, जो प्लास्टिक ब्लेड है इसको हमने बीच में ऐसे फिक्स किया, देख पा रहे होंगे बीच में एक इसमें पोल दिया गया है, इस पोल में हमको ये ब्लेड को, ब्लेड का जो सेंटर पॉइंट है हमको उसमें इस तरीके से रखना है और ऐसे हल्का सा रोटेट करके देखना है। अगर ब्लेड रोटेट हो रहा है इसका मतलब अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। अब हमें सीधे इसको ऊपर से इस तरीके से लगाना है और ये फिक्स हो चुका है। अब हम अगर इसको घुमा के देखें तो आसानी से हम देख पा रहे हैं कि ये घूम रहा है। आटा नीडिंग के बाद अगर मुझे चॉपिंग करनी है तो सिंपल है, लगाने का तरीका सेम है, चॉपिंग ब्लेड आपने लिया और सेंटर में अच्छे तरीके से उसको रख दिया और हल्का सा घुमा के देखा, अच्छे से फ्री फ्लो में घूम रहा है तो आपका जो है चॉपिंग ब्लेड जो है वो लग चुका है। और इसको लगाने के लिए आपको ऊपर का जो डिस्क है वो धीरे से देख के आपको इस तरीके से फिक्स कर देना है। बाकी आपको इसके अलावा एक विपिंग या विस्किंग ब्लेड भी दिया जाता है, सेम प्रोसीजर, इस तरीके से लगाइए, लिड को ऊपर से लगाइए और आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें स्लाइसिंग करनी है, श्रेडिंग करनी है, ग्रेटिंग करनी है, तो उसके लिए हमको बाकी के जो हमारे 6 ब्लेड्स हमको दिए गए हैं वो हमें यूज़ करने हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी अटैचमेंट डिस्क। तो इस डिस्क को हमने सिंपल तरीके से इसके ऊपर, जार के ऊपर लगा दिया, ये अपनी जगह पर फिक्स हो चुकी है। अब ब्लेड को लगाने का तरीका हमें देखना है, तो मैंने ये स्लाइसिंग ब्लेड ले लिया। अब स्लाइसिंग ब्लेड में एक तरफ ये गियर दिया गया है और जो डिस्क है डिस्क में भी ऊपर साइड में गियर दिया गया है, गियर की पोजीशन दी गई है, तो इस पोजीशन को अलाइन करके आपको इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखना है और जब ये अपनी जगह पे ऐसा फिक्स हो जाए तब आपको नीचे का पोर्शन को प्रेस करना है। तो ब्लेड अपनी जगह पे जो है अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है और अब आप किसी भी तरह की जो भी आपको स्लाइसिंग करनी है, चाहे पोटैटो की स्लाइसिंग करनी है या क्यूकम्बर करना है, अनियन करना है, टोमेटो करना है सैलड के लिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यही जो ब्लेड लगाने का तरीका है, इसी तरीके से आप बाकी के भी जो 5 ब्लेड हैं वो इसमें आसानी से लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जूसिंग के लिए हमको ये जो सिट्रस फ्रूट जूसेस के लिए डिस्क दी गई है इसको हमें जार के ऊपर लगाना है, तो इसको भी लगाने का तरीका सिंपल है, इस तरीके से हमने जार के ऊपर रख दिया और ये अपनी जगह पर फिक्स हो गया। अब जो भी सिट्रस फ्रूट है हम इसमें इस तरीके से यूज़ करके और हम उसका जूस आसानी से निकाल सकते हैं। तो असेंबलिंग बहुत ही आसान है, डी असेंबलिंग उससे भी ईजी है, तो आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हर अटैचमेंट को प्रॉपर लगा के और फिर निकाल के वॉश करके आप रख दीजिए, आपका प्रोडक्ट जो है वो लंबे समय तक बना रहेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। जो भी आप इससे फंक्शंस कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें इससे बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से बनती रहेंगी। सो आई होप कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किए और आपको एक्सप्लेन कर पाए। आगे फिर इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट के साथ आएंगे जो आपके किचन में, आपके घर में कुछ वैल्यू एडिशन करे, कुछ लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आए। आगे फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।